अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन अंगारा कढ़ाई की रेसिपी। चिकन अंगारा भी जैसे बहुत ही टेस्टी बनता है, वैसे ही चिकन अंगारा कढ़ाई बहुत टेस्टी बनती है और इसमें जो स्मोकी फ्लेवर आता है उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए बनाते हैं चिकन अंगारा कढ़ाई। तो ये रेसिपी बनाने के लिए पहले हम कढ़ाई मसाला बना लेंगे। तो यहाँ पर ये 5 सूखी गोल लाल मिर्च ले ली है मैंने, 1 टेबलस्पून ले लिया है अखा धनिया, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा और 10 से 15 काली मिर्च। इसे हम भून लेंगे। तो ये पैन मैंने गरम करने रख दिया है और पैन में हम इसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे, जब तक कि धनिया का कलर थोड़ा डार्क नहीं हो जाता। जब धनिया का कलर डार्क हो जाए और उसमें से खुशबू आने लगे, मतलब हमारा मसाला जो है वो देखिए भून गया है इस तरह से, तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद ठंडा होने देंगे। जब ठंडा हो जाए तब हम इसे मिक्सर जार में डाल देंगे और दरदरा हम इसे पीस लेंगे। एकदम हमें फाइन पाउडर नहीं करना है, हल्का सा दरदरा रखना है। तो ये देखिए इसका मैंने दरदरा इस तरह से पाउडर बना लिया है। तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम उसी पैन में ऐड कर देंगे तेल। तो यहाँ पर मैंने 2.5 टेबलस्पून तेल ऐड कर दिया है। तेल गरम होने के बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे। तो ये 500 ग्राम मैंने चिकन लिया है और चिकन को हाई फ्लेम पर हम 5 से 6 मिनट के लिए भूनेंगे। तो हाई फ्लेम पर हमें चिकन का कलर हल्का हल्का इस तरह से देखिए चेंज हो जाएगा और हल्के लाइट गोल्डन मार्क्स भी आ जाएंगे, तब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये टोटल मैंने 6 से 7 मिनट तक भुना है। अब उसी तेल में हम डाल देंगे 1 बड़ी प्याज बारीक कटी हुई और प्याज को हम भून लेंगे सॉफ्ट होने तक। जब इस तरह से ट्रांसलूसेंट हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ लहसुन जो मैंने 7 से 8 लिया था बारीक कट कर लिया, और जूलियन कट किया हुआ अदरक। यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने जूलियन में कट कर लिया था वो डाल देंगे और भून लेंगे हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो प्याज के साथ अदरक लहसुन को भी मैंने भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए, और टमाटर के साथ भी हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे और ढक कर 3 से 4 मिनट तक रहने देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने पकाया है 3 से 4 मिनट तक, ताकि प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए हमारे प्याज और टमाटर जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे। हाई फ्लेम पर मैंने 1/2 मिनट तक भुना है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने चिकन को फ्राई कर लिया था वो, साथ में हम इसमें डाल देंगे जो हमने कढ़ाई मसाला पीसा था। तो ये डाल देंगे हम इसमें, नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर भुनेंगे। एक मिनट तक मैंने हाई फ्लेम पर भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 100 ग्राम दही। दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है, उसके बाद ऐड किया है। दही में कोई भी लम्प्स नहीं है। अब मिक्स करते हुए हम इसे भूनेंगे जब तक कि दही का पूरा पानी ड्राई नहीं होता और चिकन भी हमारा गलेगा। तो ये देखिए दही से पानी रिलीज़ होने लगेगा। तो हम इसे ढक कर रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो लो फ्लेम पर पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए दही का पानी जो रिलीज़ हुआ था उससे ही हमारा चिकन जो है वो गल गया है। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे, जब तक कि तेल अच्छी तरीके से रिलीज़ नहीं होता। फिर हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, 1 हरी मिर्च कटी हुई और मिक्स कर लेंगे। दही के ही पानी में हमने चिकन को गलाया है तो इससे बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर भी आता है, क्योंकि पानी का हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। साथ में हमने कढ़ाई मसाला जो पीसा है उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और ये हमने भून लिया है हरी मिर्च और हरे धनिए का डालकर भी 1 मिनट के लिए। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इस पर हम रख देंगे 1 कटोरी और जलता हुआ कोयला। तो कोयले को मैंने गर्म करके रख दिया है, तो वो हम इस प्लेट पर रख देंगे। अब हम कोयले के ऊपर तेल, घी या बटर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर तेल डाल रही हूँ। जब इस तरह से धुआं निकलने लगेगा तब हम इसे बंद कर देंगे, ढक कर रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से स्मोकी फ्लेवर चिकन में आ जाए। चिकन अंगारे का टेस्ट इस तरह से स्मोकी फ्लेवर देने से बहुत अच्छा आता है, और ये चिकन अंगारा कढ़ाई हमने बनाई है जिससे स्मोकी फ्लेवर से इसका टेस्ट जो है वो दुगना हो जाएगा। तो 3 से 4 मिनट तक मैंने रहने दिया था और ये हमारी मज़ेदार चिकन अंगारा कढ़ाई बनकर तैयार है।
आप भी इसी तरीके से ये चिकन अंगारा कढ़ाई ज़रूर बनाएं, सभी को बहुत पसंद आएगी और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो ये हमने गर्मा गर्म सर्व कर लिया है, गार्निश कर लेंगे हम कटी हुई हरी मिर्च के साथ और हरे धनिए के साथ। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।